मेरा वो पिछला जन्म था, लोक विरसा में मैं जॉब कर रही थी, वहाँ आर्टिस्ट मैंने देखे, उनसे बहुत इम्प्रेस हुई, मैं चाहती थी उनकी बैकग्राउंड जानूँ। फिर मेरा अपना इंटरेस्ट डांस में इतना था कि मैं सोचती क्यों लोग इसको बुरे कामों से एसोसिएट करते हैं, क्यों लोग इस पर स्टिग्मा लगाते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स में वो आज भी मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को क्यों स्टिग्मा लगाते हैं। मुझे वो उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ दुनिया में कोई नहीं लगती। थिएटर है, परफॉर्मेंस है स्टेज के ऊपर, डांस है, म्यूज़िक है, तो उसको बस बुरा ऐसे लगाते हैं। आमतौर पे जो मैंने स्टिग्मा देखा है ना, वो ये होता है कि ये उनकी साइड लेती है। यानी मुझे ये कम कम हुआ मौका कि वो कहें कि भाई ये उस बाज़ार में बढ़ जाती है तो शायद ये भी उस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो। मगर वो ये एक ना, ख़ास तौर पे जो ज़्यादा ही रिलीजियोसिटी से भरे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं जी आप क्यों उनकी इतनी साइड लेती हैं। तो इसमें मैं तो वैसे ऐसी चीज़ों को इतना सीरियसली लेती नहीं हूँ। और अगर इंसान, मैं ये कहती हूँ ना, मंजिल है, और ये किसी से आने ने मुझे कहा था कि मंजिल है, तो मंजिल पर नज़र नहीं रखोगी ना तो रास्ता भटक जाओगी। और रास्ते में चलते हुए बहुत से कुत्ते भौंकते हैं, अगर हम पत्थर उठा उठा के एक एक कुत्ते के पीछे भागने शुरू हो जाएंगे तो हमारा रास्ता पीछे रह जाएगा और हम कभी इधर जा रहे होंगे कभी उधर जा रहे होंगे। तो इसलिए मैं तो सीधा रास्ता ही लेती हूँ मंजिल की तरफ जो जाता हो। बहुत सी दफ़ा ये पूछा जाता है कि ये करेज कहाँ से आया, तो मैं तो आमतौर पर अपना टारगेट सेट करके तो शुरू हो जाती हूँ उस तरफ। रिएक्शंस आते हैं, रिएक्शंस को डील करना एक इज़ अ पार्ट ऑफ इट। अगर मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, चलो मेरे कुछ जानने वाले थे या उनको ही पता था कि ये इतनी, जिसको नॉर्मल कहते हैं इतनी नहीं है, ये अपनी पसंद के काम करती है, तो और अगर कोई ऐसी लड़की हो जिसकी फैमिली उसको सपोर्ट ना कर रही हो, तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि अंदर से आती है स्ट्रेंथ, और आपको अपना मयार खुद डिटर्मिन करना पड़ता है। आई थिंक जो मैंने सीखा भी ना इस सारे प्रोसेस से, वो यही था कि अच्छा बुरा हमें सिखाते रहते हैं, तो जो हमारे को हकूक की बात हो, जो कोई काम की बात हो, वो जल्दी से बुरी कैटेगरी में चली जाती है, तो हम डर के मारे फिर उसको एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते, क्योंकि हमें अच्छा बनने की इस कदर ख्वाहिश होती है और हम सेक्रीफाइस पे सेक्रीफाइस करते रहते हैं अच्छा, और ये नहीं पता होता कि आखिर में फिर भी केक लगानी है और अच्छा बच्चा कोई नहीं मानेगा। तो मैं समझती हूँ जो लड़कियाँ हैं जिनका इतना बैकिंग नहीं भी है, अगर वो डिटर्मिंड है ना, तो वो अपने अच्छे होने की दलील अंदर से ही मांगे, उनका ज़मीर उनको बता देता है कि वो अच्छे हो कि नहीं। अगर मेरी फंडामेंटल राइट्स में से कोई चीज़ है ना जिसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, तो मैं अपना पासपोर्ट कभी किसी को नहीं दूंगी, मैं अपनी गाड़ी कहीं वैसे आने जाने की जो इजाज़त है, मैं अपनी मोबिलिटी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। और जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती थी ट्रैवल में ना, वो ये थी कि आप रूटीन से बिल्कुल हट जाते हो। रूटीन में आपको पता होता है सुबह है, दोपहर है, शाम है, आपकी इन्वायरमेंट है, किन लोगों से आप मिल रहे हो, आपको पता नहीं होता है कि अगले मोमेंट में आपने किस चीज़ में स्टेप करना है। आपको कोई नया शख्स मिलेगा, आपको कोई नया नज़ारा मिलेगा, आपको कोई नई लर्निंग होगी, कहीं फंसोगे, कहीं निकलोगे, क्या करोगे, इट्स अ टोटल सरप्राइज़, और वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ नशा। एक बार मुझे याद है कि मैं अफ्रीका गई हुई थी, और कीनिया में मैं वहाँ पर कुछ वाकिफ़ थे। ये ना पेरेंट्स परेशान भी होते हैं, तो कभी कभी पूरा नहीं कह पाते कि भाई हम परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको होता है भाई इसका राइट है ये जाए। तो दे सेड कि वहाँ हमारे बहुत अच्छे वाकिफ़ हैं, उनके पास तुम ठहर जाना। तो मैंने कहा ठीक है। खैर वहाँ मैं वाकिफों के पास गई और दे वर वेरी वेरी नाइस। तो मैंने उनको बताया अपनी गाइड बुक में से देख के कि कल मैंने यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। उनका क्या बात कर रही हो, हम तुम्हें लेकर जाएंगे, ये यूरोप नहीं है जहाँ बैक पैकिंग तुम करो, ये अफ्रीका है, तुम्हें नहीं पता, तुम लड़कियाँ जो हो यूरोप घूम के आ जाते हो तो समझते हो कि कहीं। मैंने कहा ये तो पकड़े, अब तो फंस गई मैं, ये मैंने दिल में सोचा कहाँ मुझे उन्होंने फंसा दिया है, क्योंकि मैं किसी होटल या किसी गेस्ट हाउस में ठहरी होती तो सुबह मैं निकल पड़ती जिस तरह मैं ट्रैवल करती हूँ। उन्होंने कहा नहीं जी सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने कहा मैंने लेक नकुरू देखनी, मुझे फ्लेमिंगोज बेतहाशा पसंद है, और वहाँ पिंक फ्लेमिंगोज होते हैं जो दुनिया में बहुत ही यूनिक हैं। तो मैंने कहा मैं तो लेक नकुरू पे कल जा रही हूँ। उनका तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम बस कोई टूर लेके चली जाओगी, इस तरह नहीं जाते, जंगल के बीच में है वो लेक। मैंने कहा नहीं मैं पहुँच जाऊँगी। अब वहाँ मैं सुबह से, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं हो। तो मैंने ये किया कि जब वो सो रहे थे ना सुबह सुबह, मैं निकल गई बाहर। मैंने कहा तो मेरी जान मुसीबत में आ गई। तो मैं सुबह सुबह निकल गई वहाँ से, मैंने कोई जाके कोई बस पकड़ी, वहाँ से कोई रिक्शा पकड़ा, वहाँ से मैंने
एक टाउन तक पहुंची तो उन्होंने कहा हाँ है तो सही यहाँ करीब, लेकिन आप पैदल तो नहीं जा सकती, वो तो जंगल के अंदर है। तो फिर मैंने इधर उधर देखा, फिर एक सिख भाई से दोस्ती लगाई मैंने। मैंने कहा ज़रा वो लाहौर शौर की बातें करके उसको, मैंने कहा इस तरह मैंने अंदर जाना, उसने कहा हाँ मैं तो मेरी अपनी टैक्सी में तुम्हें लेकर चलता हूँ। ही टुक मी देयर। तो बड़ी मैं लेक वेक देख के बड़ा इन्जॉय करके और भी जगह देख वेख के रात को मैं घर पहुँची। तो एक तो वो आपे से बाहर हो रहे थे गुस्से में कि भाई ये तुमने क्या किया, हमें तो गच्चा दे के चली गई। मगर जो बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई वो ये हुई कि उन्होंने बताया कि उनके साथ जो आदमी था ही गॉट मग्ड, और डाउन टाउन में दोपहर के 2 बजे, और वो पाकिस्तान जाने वाला था, उसके पासपोर्ट्स, उसके पैसे, उसके गले की चेन। तो मैं खामोशी से मैंने कहा देखो इट कैन हैपन टू एनीबडी, एक्सक्यूज मी। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था कि मैं कहूँ देखा, लेकिन यह कि मैंने प्यार प्यार से उनको बोला कि देखो जहाँ ठीक है क्राइम रेट होता है, लेकिन औरतों के साथ भी कोई मगिंग हो सकती है, मर्द के साथ भी हो सकती है, आपकी एज भी कोई हो सकती है, जेंडर भी कोई हो सकता है, लेकिन ये जो ओवर पोजेसिवनेस होती है ना औरतों के लिए, वो मुझे कई दफ़ा बहुत तंग करती है। तो मैं ऐसे डॉज करके चली जाती हूँ। मुझे मालूम है कि हम ओरल कल्चर हैं, हमें कहानियाँ सुनाना ही अच्छा लगता है ज़ुबानी, लेकिन यंग लोगों को अब इतना एक्सेस है जो हमें कभी नहीं था, और वो मुझे ऐसे लगता है जिस तरह इतना पढ़ते नहीं। तो मैं कहती हूँ सफ़र करें, ट्रैवल करें, बुक्स पढ़ें। बुक्स भी एक तरह का ट्रैवल होता है, यू नो यू ट्रैवल इनटू समबडी एल्सेस माइंड और लाइफ और अ सिचुएशन। और अच्छा लिखना अगर हो तो मैं समझती हूँ अच्छा पढ़ना भी चाहिए। जैसे म्यूज़िक के लिए मैं कहती हूँ अगर आपने गाना है या कोई आप अप्रिशिएट करते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट, तो उसको सुनने का भी, सुनने का एक टेस्ट होता है ना, हर चीज़ का एक टेस्ट होता है। और शायरी भी इसी तरह है जो मुझ पे बहुत असर करती है। और बुल्ले शाह को तो मैं अपना उस्ताद मानती हूँ, फैज़ साहब को मैं उस्ताद मानती हूँ, और इनकी शायरी से बहुत कुछ सीखा है, बहुत दिल की बातें होती हैं। और फैज़ साहब जो हैं वो तो हमारे हर तरह से नज़रियाती तौर पे भी उस्ताद हैं, और मैं जब भी उनका कलाम है जैसे हम देखेंगे तो बहुत जोश आता है, और एक इंसान को एक सॉलिडेरिटी फील होती है कि अपने माशरे को अगर हम तब्दील नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और अब तो नज़रें बच्चों के ऊपर हैं जो नई जनरेशन है, और मैं समझती हूँ अगर हम नहीं तो वो देखेंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे।